हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास और डिलीशियस सी रेसिपी। ये ठंड का मौसम भी चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे व्यूअर्स के लिए एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो खाने में बेहद ही लाजवाब हो और उसे बनाना भी बेहद ही आसान हो। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है मेथी मटर मलाई की। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए घर की हमें एक रेगुलर यूज वाली कढ़ाई लेनी है। 2 चम्मच ऑयल गरम कर लेते हैं और फिर इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए। तो यहाँ पर प्याज को मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया था, तो प्याज को हमें बिल्कुल हल्का सुनहरा रंग आने तक फ्राई करना है। बहुत ज्यादा प्याज को हमें यहाँ पर फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्याज हल्का सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ कटे हुए काजू, साथ ही इसमें डालेंगे 2 इलायची और 2 लौंग। अब इसके बाद हमें इसमें डाल देना है 4 से 5 लहसुन की कली। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि बिना अदरक के भी ये जो मेथी मलाई मटर है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप किए हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर खास इस रेसिपी के लिए आपको लाल वाले अच्छे टमाटर का यूज करना है, नहीं तो सब्जी आपकी बिल्कुल खट्टी हो जाएगी। अब इसे 5 से 7 मिनट चलाने के बाद एक मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। साथ ही मिलाएंगे 1 चम्मच चीनी, जिससे कि हमारी सब्जी का टेस्ट बैलेंस हो सके। अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर बारीक कटी हुई मेथी और मटर मैंने मिला दिया है। तो मेथी और मटर को हमें 80% तक कुक कर लेना है। तो लो फ्लेम पर गैस को रख के हम इन दोनों को ही पका लेंगे। क्योंकि इस सब्जी में हम मेथी का भी यूज कर रहे हैं, साथ ही टमाटर का भी यूज कर रहे हैं। मेथी हल्की सी कड़वी होती है और टमाटर हल्का सा खट्टा होता है, तो इसीलिए जब मैंने मसालों को पीसा तो उस वक्त मैंने चीनी ऐड कर दिया, इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मेथी और मटर हमारा अच्छे से 80% पक चुका है। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी सेम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, फिर इसमें डाल देंगे 1 दालचीनी और 1 तेज पत्ता। तेज पत्ते को तोड़कर डालें, साथ ही 1 बड़ा चम्मच जीरा डालकर भून लेंगे। फिर हम इसमें बनाया हुआ जो पेस्ट है उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों, पेस्ट को मिलाने के बाद करीब 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर हम इसी तरीके से पकने देंगे। और जैसे ही पेस्ट हमारी थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी, उस वक्त पर हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, क्योंकि हल्दी पाउडर की इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, साथ ही मिलाएंगे 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे सब्जी का रंग बहुत ही अच्छा आता है। तो मसाले को पकाने के बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया था, फिर मैंने बाकी के मसाले इसमें ऐड किए, नहीं तो जो पेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होके चिपकने लगती है कढ़ाई में। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो मसालों में धनिया पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई घर में बना मसाला है तो उसे भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद फ्राई किया हुआ मटर और मेथी भी इसमें डाल देंगे। मटर और मेथी को हमने 80% तक कुक कर लिया था, जिससे कि इस रेसिपी में हमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम मटर और मेथी को मिलाने के बाद सभी मसालों के साथ इन्हें बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए ही इस प्रोसेस को हमें करना है। 5 मिनट के बाद इसमें बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया ऐड करेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया अब हमने। अब इसमें डाल देंगे 1 कप मलाई।
अगर आप चाहें तो इसमें कम मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा मलाई डालेंगे आप उतनी ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 कप मलाई ऐड किया है, और इन सभी को जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे तो देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई लग रही है ना, ग्रेवी देखिए इसकी कितनी बढ़िया बनी है। जैसे जैसे मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप में दिखा रही हूँ वैसे ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो चलिए इसमें मिला देते हैं अब स्वाद के अनुसार नमक। तो इन सभी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करें, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कढ़ाई को ढककर करीब 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर पका लें। तो आज की ये रेसिपी मेथी मटर मलाई गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।